हिमाचल से खबर। सबसे पहले आपदा के बीच मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, पूरे भारत में भारी बरसात की संभावना। उत्तराखंड यूपी के अलग अलग जिलों से खबर है अलर्ट यहां पर जारी बरसात का। हिमाचल में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, अब तक 74 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। हिमाचल प्रदेश में सड़कों को भारी नुकसान की जानकारी, सड़कें खोलने और मशीनरी की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपए का फंड जारी। मंडी में जल शक्ति विभाग की बिल्डिंग पर मंडरा रहा है खतरा, सभी 100 कमरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। मंडी में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान, अब तक 267 घर तबाह, 86 वाटर परियोजनाएं बाधित, 31 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। हिमाचल में हाईवे बंद होने से आवाजाही प्रभावित, कुल्लू में अभी कुछ दिन केवल 10-10 लीटर ही मिल सकेगा पेट्रोल और डीजल। शिमला में हुए लैंडस्लाइड में उजड़ा पूरा परिवार, शिव बावड़ी मंदिर में जलाभिषेक करने गए परिवार के 7 मेंबर्स की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 220 लोगों का रेस्क्यू किया गया, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह भेजा गया। हिमाचल के कांगड़ा में पोंग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद भारी तबाही का मंजर, मांड इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी है। प्यारे आर्किटेक्ट वाले बयान पर घिरे हिमाचल के सीएम सुखो, अनुराग ठाकुर बोले राज्य सरकार को राजनीति नहीं मदद करनी चाहिए। सुखिंदर सिंह सुखो ने बिहारी आर्किटेक्ट वाले बयान पर दी सफाई, कहा हमारी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की गलती है, बिहार के लोग हमारे भाइयों की तरह है। चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ित परिवारों की 60,000 रुपए की मदद की। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद फर्रुखाबाद में बाढ़ आई, करीब 38 गांव पानी में समाये, जनजीवन पर असर। अयोध्या में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। हरदोई में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, आसपास के इलाके डूब गए, बाढ़ की वजह से स्कूल्स भी बंद हैं। कन्नौज में गंगा के विकराल रूप से आई बाढ़, पास के 3 गांव पानी में डूबे, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। फिरोजपुर में उफान पर सतलुज नदी, प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुरदासपुर का बाढ़ से बेहाल है हाल, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। गुरदासपुर में बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई हिस्सों में जलजमाव, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी हुई है। अमरोहा में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से हालात खराब हो गए हैं, गांव डूबने की वजह से पलायन को मजबूर हुए लोग। कपूरथला में 10 से ज्यादा गांव में हालात खराब, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए फ्लड अलर्ट सिस्टम की शुरुआत की गई है, 7 दिन पहले ही इस एप्लीकेशन से जानकारी मिल सकेगी बाढ़ की। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 39, छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की, 20 अगस्त को एमपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग मामले में हो रही है छापेमारी। वाराणसी ज्ञान वापी केस को लेकर समझौते की पेशकश, हिंदू संगठन ने मुस्लिम पक्ष को पत्र लेकर की बातचीत की पेशकश। ज्ञान वापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा समझौते की बात करना बेईमानी, 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। ज्ञान वापी पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, बल्कि किसी की भावनाओं को ठेस हम नहीं पहुंचाएंगे, जानंदी वही शंकर होंगे। अयोध्या में राम मंदिर की नई तस्वीर सामने आई है, फर्स्ट फ्लोर के 10 फीट ऊंचे पिलर दिखे हैं तैयार, अब डाली जाएगी छत। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बहुत अहम है, आज शाम करीब 4 बजे चांद की निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा लैंडर। 25 अगस्त तक लेह लद्दाख दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, 20 अगस्त को पैंगोंग लेक के किनारे राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आज मणिपुर रवाना होगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन, इम्फॉल में राहत शिविरों और हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे राहुल गांधी, राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। आज दिल्ली विधानसभा के सत्र का 3रा दिन है, सदन में हंगामे होने के आसार हैं। तिन देसाई सुसाइड केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने एडवलाइज कंपनी के अधिकारियों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था। पाकिस्तानी मानवाधिकार मंत्री बनेंगी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन, कार्यवाहक मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा उन्हें। तेलंगाना के खम्मा में छात्र की हार्ट अटैक से मौत, 9वीं क्लास का स्टूडेंट था ये छात्र। जामनगर में विधायक रिबावा जडेजा की मेयर और सांसद के साथ नोकझोंक हो गई, कार्यक्रम में चप्पल उतारने को लेकर विवाद हो गया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का दावा, यूपी में इंडिया गठबंधन जीतेगा सारी 80 सीट्स को। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्षी गठबंधन पर वार, कहा ये घोटालेबाज और भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे नेताओं का गठबंधन है। गुलाम नबी आजाद के बयान पर एसपी सांसद एसटीआर सिंह का पलटवार, बोले इस्लाम धर्म 8,000 साल पहले से है।
मुंबई लोकल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगेंगे आधुनिक ऑडियो अलर्ट सिस्टम, जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी के तहत शुरुआत होगी। मुंबई के घाटकोपर में कंपनी में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। कानपुर के नारी निकेतन में निरीक्षण करने पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, दो दिन पहले दो लड़कियां संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी गायब। पटना में जगह जगह लगाए गए बीजेपी के खिलाफ पोस्टर्स, पोस्टर्स में बीजेपी में वंशवाद पर निशाना साधा गया। जेल से रिहा हुई माफिया मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी, जेल में पति अब्बास से चोरी छिपे मिलने पर हुई थी गिरफ्तारी। रांची में एक कुएं का हिस्सा धंसने से 5 लोगों की मौत, कई लोगों के इस मलबे में फंसने की जानकारी, कुएं में गिरे बैल को निकालने उतरे थे लोग। हिमाचल के नालागढ़ में अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स पर गोलियां चलाई, आपसी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया। बिहार के नालंदा में इनकम टैक्स विभाग पर सीबीआई की छापेमारी, सीबीआई एसीबी की टीम ने इनकम टैक्स ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ा। यूपी के बहराइच में चुनावी नजर में प्रधान के भाई की गोली मारकर हत्या, गांव में चली कई राउंड गोलियां, 4 लोग घायल हो गए हैं। आईएसआई की बड़ी साजिश नाकाम, यूपी के शामली से एसटीएफ ने आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, चेकिंग अभियान के दौरान हुआ हमला, एक घायल एक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में संवासनी गृह में अचानक हुआ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का औचक निरीक्षण, बीते दो दिन पहले दो लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई थी। यूपी के सीतापुर में तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों में दहशत, अब तक 3 लोगों को बना चुका है शिकार। उत्तर प्रदेश के चंदौली में दो बाइक्स की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई, एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। यूपी के बाराबंकी में मुख्तार अंसारी फर्जी एम्बुलेंस केस में कोर्ट से जुड़े कोर्ट में सुनवाई हुई, 12 को प्रकोर तय कर चुकी आरोप, 28 अगस्त को सुनवाई इस मामले में होगी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देर रात चौकी इंचार्ज एक महिला के कमरे में घुसा, महिला की सास ने कमरे का दरवाजा बंद कर वीडियो बनाया। यूपी के आजमगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म कर एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, दुष्कर्म का बनाया था वीडियो, दोनों आरोपियों को भेज दिया गया जेल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोल्ड स्टोरेज पर छापामार कार्रवाई की, 45 लाख रुपए का 18,000 किलो खोया जब्त किया, 200 किलो मिल्क पाउडर भी जब्त। जालौन में एक पागल घोड़े ने आतंक मचाया, एक दर्जन राहगीरों को काटकर किया गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के अलवर में चोरों ने न्यायाधीश के मकान को निशाना बनाया, चांदी के गिलास, दस्तावेज और 20,000 की नकदी लेकर फरार हो गए बदमाश। राजस्थान के जयपुर में बुजुर्ग दंपति के घर पर गार्ड ने जड़ दिया ताला, संपत्ति विवाद में बुजुर्ग दंपति ने लगाई मदद की गुहार। यूपी के कौशाम्बी में जहरीली चॉकलेट खाने की वजह से दो मासूम बहनों की मौत हो गई, परिजनों ने एक युवक पर चॉकलेट में जहर मिलाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 11 साल के मासूम को पिटबुल ने काट कर बुरी तरह घायल किया, उस मासूम के चेहरे आसपास पर गहरे घाव के निशान। बिहार के जमुई में ट्रैक्टर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया, एक की मौत हुई, कोलंबिया की संसद को भी नुकसान पहुंचा इससे। स्पेन के जंगलों में भीषण आग से भारी नुकसान हुआ है, जंगल में 31 किलोमीटर तक फैली आग, 3,800 लोगों का रेस्क्यू किया गया। स्पेन के द्वीप टेनरिफ के जंगल में आग लग गई, आसमान में छाया धुएं का काला गुबार, 4,500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कनाडा के जंगलों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है, आग की चपेट में आने की वजह से झुलसे पेड़, शहर के कई हिस्सों को खाली करने के आदेश दिए गए। अमेरिका के हवाई में जंगल की आग से तबाही, ड्रोन वीडियो सामने आया, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हवाई में K9 टीम को तैनात किया गया है, K9 की टीम्स, 3 टीम्स चला रही हैं सर्च ऑपरेशन। अर्जेंटीना के नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पे लग गया आग, हादसे में किसी की जान नहीं गई है, तकनीकी समस्या की वजह से हादसा हुआ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को से मिन्स्क, लुहांस्क और दोनियस्क तक हाई स्पीड रेल लिंक बनाने का सुझाव दिया है, पुतिन ने कहा लुहांस्क और दोनियस्क को जोड़ना जरूरी है। मलेशिया में एक विमान क्रैश होने से बड़ा हादसा हुआ है, 2 पायलट समेत 10 की मौत। मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जरागोजा पहुंची स्पेन की राजकुमारी, 3 साल तक चलेगा प्रशिक्षण। हॉलीवुड सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स के पति सैम अस्करी ने दायर की तलाक की अर्जी, 14 महीने पहले ही दोनों ने शादी की थी। आज रिलीज होगी अभिषेक बच्चन और सयामी के स्टारर फिल्म घूमर, फिल्म में खिलाड़ी के स्ट्रगल की कहानी दिखाई गई है। टाइगर नागेश्वर राव का टीजर आउट हुआ है, खूंखार अंदाज में रवि तेजा नजर आ रहे, 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। Zee News.